हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका नॉलेज महल के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि डिप्लोमा के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं और कौन सा आपका ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिप्लोमा करने के बाद आपके पास तीन ऑप्शंस रहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है हायर स्टडीज़ का। तो हायर स्टडीज़ करने के लिए आप दो तरीके से चुन सकते हैं। इसमें पहला है आप बीटेक कर सकते हैं, दूसरा एएमआई कर सकते हैं। बीटेक करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपको एंट्री मिलेगा। हर स्टेट में इसके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, जिसका एग्ज़ाम देकर आप कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप प्राइवेट से करते हैं तो इसका खर्च लगभग 2 से 3 लाख रुपीस लगेगा, और यदि आप गवर्नमेंट से करते हैं तो इसमें खर्च बहुत ही कम लगेगा। और एएमआई की बात करें तो इसमें ये बेसिकली एक डिस्टेंस एडुकेशन है, जो आप घर बैठे ही इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की ओर आप देख सकते हैं। तो चलिए दूसरे ऑप्शन की ओर जाते हैं। तो डिप्लोमा करने के बाद आपका एक और ऑप्शन रहता है प्राइवेट जॉब करने का। ये वही जॉब होता है जो कॉलेज कैंपसिंग के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कुछ अच्छे कंपनीज होते हैं जो अच्छे पैकेज भी देते हैं, जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। मेनली इसमें ITC, टाटा, रिलायंस और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही डिसएडवांटेज होता है कि इसमें आपका जॉब की इनसिक्योरिटी होती है, मतलब जॉब कभी भी जा सकते हैं। और इसमें तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब प्रेपरेशन का। यदि आप प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते या पढ़ाई नहीं करना चाहते और आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करना चाहिए। इसके लिए आपके दो ऑप्शंस होते हैं। तो जॉब दो तरह से होते हैं यहाँ पे, टेक्निकल के और नॉन टेक्निकल के। तो टेक्निकल में आपके RRB JEE और SSC JEE बेस्ट होते हैं, जो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट होता है। और इसके अलावा भी ALP और टेक्नीसियन के भी पोस्ट होते हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और नॉन टेक्निकल में SSC और 12th लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि MTS हो गया, CHSL हो गया, ये सारे एग्ज़ाम हैं, आप दे सकते हैं और कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया गया कि 12th के बाद या डिप्लोमा के बाद कौन कौन से जॉब आपके लिए गवर्नमेंट जॉब बेस्ट रहेंगे। उसका वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा जॉब आपके लिए बेस्ट होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो।